राज्य एवं देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं आज खबर को स्वागत करुच्ची मुझ संयुक्ता प्रथम देखने कौन रही आज हेडलाइंस। मयूरभंज जिले में संभाव्य बात्यार मुकाबला प्रस्तुत हेले जिला प्रशासन एने सूचना दे मयूरभंज जिलापाल। विद्युत तार बिल में बिछाइवा पड़ा महंगा विद्युत संस्पर्शे आसी युवती मृत्यु क्षतिपूरण सह अभियुक्त को दंडित करने दावी कले ग्रामवासी। मद पी आसीला स्वामी स्त्री विरोध करिबारु काठो फाळियारे पिटीपिटी मारिदेला पिसाचो स्वामी। घटला एक अभावनीय घटना स्टोव्रु निया लागि पाखापाखि छ बखरा घर पोड़ी पाउँस एपटे अग्नि विपन्न परिवार को सहायता जोगाई देबा को दाबी। बुलेटिन आरंभ करिबा आजिरो सबुठारु सेही बड़ खबररु मयूरभंज जिले में बात्या यश्र मुकाबला करने को जिला प्रशासन संपूर्ण भाव प्रस्तुत। मयूरभंज जिलापाल एवं एसपी जिलार समस्त विडीओ घन घन बैठक कर स्थितर अनुधान करपटे जिलार सबुटी आश्रयस्थल बाबद को समस्त सरकारी कोठा को प्रस्तुत करलिया अंचल और कच्चा घरे रोकवा लोकं चिन्हट कर सुरक्षित स्थान को स्थानातर करने को प्रस्तुत आरंभ हो विशेषकर बात्या जो रास्ताघाट जपरी बंद न हुए से स्वतंत्र दृष्टि रखाई मयूरभंज जिलापाल। जिले में दुईट ओड्राफ टीम और अग्निशम विभाग संपूर्ण प्रस्तुत थिबा बेले गोटे एनडीआरएफ टीम प्रस्तुत रही आहुरी दस टी एनडीआरएफ टीम आज संध्या सुधा जिले में पहुंची बात्या मुकाबला करने को प्रस्तुत हेबे एथिने जिला पुलिस संपूर्ण सजग रही। बात्यापाई सब ब्लॉक रे प्रस्तुति कराई प्रति पंचायत रे शेल्टर अरेंज कराई से लोक जो मान कच्चा घर अच्छे किंबा एस्बेस्टस घर अच्छे आम इवैक्युएट करेटी रखा सबू शेल्टर रे पीवा पानी टॉयलेट एवं मेडिसिन खाइबा सब व्यवस्था कराई एंड सहित मेडिकल टीम भी व्यवस्था कराई जिते भी कोविड हॉस्पिटल एवं कोविड केयर सेंटर अच्छी से पावर बैकअप एंड मेडिसिन स्टॉक फूड स्टॉक कराई एंड सहित साइक्लोन टाइम रे जो रोड रे गछ पड़े एंड कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाए ताकु क्लियर करिवा पाई भी टीम कराई प्रति एरिया पाई कटर एवं अन्य इक्विपमेंट रखाई सो दैट कि आम जिते शीघ्र सब रोड को क्लियर करा सहित पीवा पानी पाई सब पाइप वाटर सप्लाई पाई जनरेटर व्यवस्था कराई। मयूरभंज संजीव कुमार रंजित को रिपोर्ट डी टीवी ओडिया। बरगढ़ ब्लॉक सदर थाना अंतर्गत डुमेरपाली ग्राम से आज विद्युत संस्पर्शे आसी गुप्त साहू को मृत्यु घटी। सूचना अनुजाई डुमेरपाली ग्राम डुलामणि साहू भवानी शंकर साहू प्रहलाद साहू दनादन साहू नामक चारिजण व्यक्ति निज बिल चाष कर लोक माने निज बिल पाताल नलकूप खोली बिल विद्युत संयोग करपटे घर ट्रांसफर्मर संयोग करते हेले गत राति बिल भितर लौह तारे विद्युत संयोग कर घर को जाते हेले से ही विद्युत संयोग आज सका एक जीवन नहींगला। वर्तमान ग्रामवासी उत्तेजना होता बेले बरगढ़ सदर पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ कर मृतक गुप्त साहू निज बिल को आज सका जाए विद्युत तारे गोड़ पकई तांकर मृत्यु घटी। वर्तमान ग्रामवासी क्षतिपूरण सह अभियुक्त को आईन अनुजाई दंडित करने दावी कर बरगढ़ सुभाष चंद्र साहू को रिपोर्ट डी टीवी ओडिया। प्रेम विवाहर करुण परिणति पिचास स्वामीर काठ फाळियारे स्त्रीर मृत्यु एभली अभावनीय लोमटांकुरा घटना देखा मिली कामाख्या नगर थाना बांगुरा गाँव परिवार कलह को केन्द्र करी गाँवर विक्रम नायक निज स्त्री वर्षा नायक को एक दोली पटारे बाडे हत्या करी। तेबे मिलिथिबा सूचना अनुजाई गतकाल अपराह्न प्राय दुईटा समय रे स्वामी विक्रम नायक मद्यपान करी स्त्री वर्षा को खराब भाषा गाळीगुलज करबा सह प्रथमे माड़ मारिथिला परे उत्क्षिप्त होई घरे थिबा दोली पटारे मुंड को पिटिबा सह बेक को पटार अग्र भाग रे भूसी देइथिला। घटनास्थल रे ही वर्षार मृत्यु होइथिला। तेबे मिलिथिबा सूचना अनुजाई वर्षा छ मासर गर्भवती थिबा जणा पड़िछि। विक्रम आज को वर्षे तले परजोग थाना आंबपलास गाँव में प्रेम बिवाह करिथिला तेबे आज प्रेमर एक करुण परिणति देखा मिली। खबर पाई घटनास्थल में कामाख्या नगर पुलिस पहुंची तदंत तो जारी रखी। कामाख्या नगर शक्ति प्रसाद विश्वाल रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। कटक जिला सालेपुर कटरपा रथदाण्ड में भयावह अग्निकाण्ड घटी। रोषे समय स्टोव्रु निया लागि पाखापाखि छ बखरा घर पोड़ी पाउँस हो
अग्निकाण्डटी कटरपा गाँवर अनादि दास घरे लागिथिला। तेबे अग्निकाण्डरे अनादि लक्षाधिक टंकार संपत्ति पोड़ी पाउंस होइजैछि। ग्रामवासी माने प्रथमे नियाकु आयत्त करबाकु चेष्टा करी विफल होइथिले। खबर पाई अग्निशम बाहिनी गाँवें पहुँचला बेलकु नियारे सबकिछि पोड़ी पाउंस होइजैथिला। तेबे कोविड समय रे एभली अग्निकाण्डर दुखद अनादि परिवार को दांडरे छिड़ा कर दी। तुरंत प्रशासन एही अग्नि विपन्न परिवार को सहायता जोगाई देबाकु दाबी होई। सालेपुर प्रफुल्ल मिश्र रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। कलाहांडी जिला मदनपुर रामपुर ब्लॉक अधीनस्थ देड़सुली और ट्रासुपड़ा ग्राम ठारे रामकृष्ण विवेकानंद मिशन बारकपुर कलिकतार सहायतार श्रीरामकृष्ण आश्रम मदनपुर रामपुर कलाहांडी तरफ एक रिलीफ बंटन कार्यक्रम अनुष्ठित होता। कोरोना भली एक भयंकर परिस्थिति रे जेतेबेले गरीब आदिवासी लोक माने खाइबाकु न पाई भोक उपास रे रहुतले, ठीक एही समय रे कोविड 19 रो समस्त नियम को माने उक्त ग्रामवासी मानकु सुखिला खाद्य सामग्री सह मास्क सानिटाइजर एवं औषध मान वितरण होइतला। ए कार्यक्रम रे श्रीरामपुर आश्रम तरफ स्वामी अशोकानंद स्वामी वीरेशानंद अनंदा प्रसाद पटनायक जशवंत दास डाक्टर भिकारी चरण मिश्र रश्मिकांत पटनायक और अन्य सहकर्मी माने उक्त कोविड 19 रिलीफ बंटन रे सहयोग करथिले। उक्त ग्रामवासी माने एही दुखदपूर्ण विश्व महामारी समय रे आश्रम तरफ एभली एक पदक्षेप नेबा प्रणाली को बेस प्रशंसा योग्य बोली कहिसंती। साधारणतः ई जो फ्लड आ साइक्लोन एंती कोरोना समय रे सबुबले किछि रिलीफ काम करितौ एथिर आम को हमर जे रामकृष्ण विवेकानंद मिशन बैरकपुर कलिकता अछि समान आम को सहायता करंती सहायता बहुत बहुत धन्यवाद। आम सरकारी नुहे बोलूँ आम जंगल के गाड़ी आसे ना बोलूँ आम धयारे आम रामकृष्ण आश्रम आज्ञा मैंने आसिक रिलीफ दिगला दिदेले बोले बहुत बहुत धन्यवाद। आम बहुत खुशी हो जंगल कि रिपोर्ट ओडिया। बरी ब्लॉक अंतर्गत तीनी मुहाणी ठारु आरुआल को संजोग करथुबा नदीबंध रास्ता रे होइथिबा घाई मरामती कार्यटी अति निम्न मानर होइथिबा ग्रामवासी माने प्रकाश करछंती। उक्त घाई कामटी संपूर्ण बाली रे होइथिबा बेले से बाली पुणी पाख नदी पठारु उठा जाइथिबा देखिबा को मिलिछि। घाईर उपरी भाग रे किछि माटी छिंचा जाइथिबा देखिबा को मिलिछि। आउ अल्प किछि दिन परे संभाव्य बात्या पई प्रशासन पाक प्रस्तुत करुछि। जदि नदी रे पानी आसे उक्त घाईर स्थायित्व प्रति प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। उक्त घाई पई सरकारी स्तर रे लक्षाधिक टंका खर्च होतुवा बेले विभागीय जंत्री और ठेकेदारंकु मधुचंद्रिकरे चालिछि बोली साधारण रे आलोचनार विषय पालछि। अपरपक्षे बरी ब्लॉक रो किछि घाई एबे जे काम आरंभ होइ नथिबा देखिबा को मिलिछि। बरी रु स्नेहसु शेखर महांतिंग को रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। जेल को पसिला कोरोना। बरगढ़ जिला पद्मपुर सब जेल को पसिला कोरोना। पद्मपुर सब जेल रे 83 जन अंतेवासी कोरोना पॉजिटिव होइथिबा एक बड़ खबर सामना को आसिछि। सरकार को निर्देश अनुसार पद्मपुर सब जेल रो अंतेवासी को कोरोना परीक्षा करा गला। प्रथमे 30 जन को परीक्षा करा गला ओ 30 जन पॉजिटिव चिन्हट हेबा परे जेल रे थिबा 124 जन अंतेवासी को परीक्षा करा जिवारु 83 जन अंतेवासी पॉजिटिव चिन्हट होछंती। ए पॉजिटिव को मध्यरु 5 जन पद्मपुर कोविड केयर सेंटर रे चिकित्सित होछंती एवं अन्य माने जेल रे रही चिकित्सित होछंती बोली पद्मपुर एसडीएमओ तहसील साउ कहछंती। सेपटे बरगढ़ जिले रे संक्रमण बढ़ी चली थिबारु प्रशासन पे मुंड व्यथार कारण साजिछि। गतकाली हमरो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जमला सार को मुझे अर्डर देखी जेल रे जेहेतु आम गोटे अर्डर आसी गवर्नमेंट जेल रे कोविड टेस्ट करा जाओ बोली तेणु सार को मुझे निर्देश देखी ये कोविड टेस्ट करा जाओ तेणु काली सी जो पहला फेज रे टेस्ट कले 30 जन करू 30 जन पॉजिटिव बाहर आम पुनर्व निर्देश देलु अंतेवासी जहाँ अच्छा समस्त टेस्ट करा जाओ तेणु सार का संध्या सुधा 132 जन टेस्ट करा गला से 83 जन पॉजिटिव बाहर 83 जन जो पॉजिटिव बाहर सर आम का संध्या जो निर्देश देलु जो मान किसी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम अच्छी आम जोटा कौ 90 रु तलकू कि किसी निश्वास प्रश्वास नेबारे असुविधा होगी किंवा किसी सीरीयस फिल होती
आमे तांकु सीसीसी पठेबा पई निर्देश दैतिलु सेति भितर पांच जन सेमाने सीसीसी रे भर्ती हेचंती एवं वर्तमान आम जो सीसीसी चार्ज डाक्टर अच्छा कहवा मुताबक पांच जन भितर जन को ऑक्सीजन लगे। बरगढ़ रु सुभाष चंद्र साहू को रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। कटक जिला किशोरनगर तहसील अंतर्गत मुरकुंडी गाँ निकट में प्रशासन अनुमोदन क्रमे चली बालीघाट को विरोध करछंती ग्रामवासी। एक बालीघाट को लागी रही स्थितिवान जमि में बाली बोझ ट्रक ट्राक्टर जातायात कला बेले चाष जमि नष्ट लगी। खाली से नुहे बेआईन भावे धार्य सीमा ठारु अधिक स्थान को बाली उठा जाउथुबा अभियोग आनिछंती जमि मालिक। एने से माने बारंबार प्रशासन को जणे आसुथले मध्य किछि सुफल मिलुनी। एहाकु ने संपृक्त जमि मालिक और ग्रामवासी माने बाली बोझै हाइवा गाड़ी को अटकई तागिद करुथले। अन्यपटे किशोरनगर तहसीलदार और किशोरनगर थाना रे बालीघाट बंद पई लिखित अभियोग करछंती। आज्ञा देखंतु आमर भी आ भितरे किछि माने उड़िया संपत्ति अछि। ए जो बालीगुला ने अछि मुरकुनी ग्राम स्थित ब्रिज पाखे तेणु आम को जी आसिया करने बहुत असुविधा होाइवे वाला सैड दौना रोड उपर बाली पकाउं तेणुक आम चाहू आमर कि मान निजर अधिकार दरकार आमको आम जमी उपर छाड़ना गुंडा लगे आमको एमती उल्टा सीधा कथा कर जमी अच्छे माणे उपर अच्छी धारणा दूसरे प्राइवेट लैंड चला आमे थाना रे एफआईआर कला परे आ तहसीलदार जणे सला परे भी से बंद करना एफआईआर के दिन हेले देते आ एफआईआर 4-5 दिन हेले दियालानी थाना तरफ किछ एक्शन नै किछ एक्शन नौ नै हम दाबी रखु चंदे जे कि हम कथा तुरंत बुझाओ नहले आमे एक धारणा दबु एक बसिबु। सालेपुर रु प्रफुल्ल मिश्रन को रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। शटडाउन रात रे लुटेरा हेले सक्रिय भांगिले एटीएम मेसीन एभली घटना देखा मिली। खोर्धा जिला टांगी थाना कालुपड़ा घाट गणेश बजार में शटडाउन जो लोके घरे रही थे बजार घाट सुनसान थिला। यार सुजोग नहीं लुटेरा गतकाली विलंबित राति कानाडा बैंक एटीएम मेसीन को लुटेरा माने भांगी देछंती। तेबे कैश नेबारे विफल होछंती लुटेरा। सकाळ सकाळ स्थानीय अंचल जणे व्यक्ति भोर 5टा रे एटीएम को टंका आणिबाकु जिबा समय रे घटना संपर्क रे जानिबाकु पाइथिले। तेबे घटनास्थल रे पुलिस बा बैंक कर्मचारी केही पहुंची नांती। तेबे बैंक कर्मचारी पहुंचिले सीसीटीवी फुटेज रु समस्त घटना जणा पड़िबो। खोर्धार सुधीर कुमार बेहरांक रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। कलाहांडी जिला कलामुंडा ब्लॉक बोरपदर पंचायत अंतर्गत खलियापल्ली ग्रामर कुरेश्वर साहू होउछंती ग्रामर जणे वरिष्ठ व्यक्ति। से समाजसेवी सरोज साहू को जेजे बापा से ही अंचल जड़े जनाशुना चाषी परोपकारी नम्र एवं भद्र व्यक्ति थिले। 92 बयस हल करी चाष करिबा सतरे समस्त को ताजुब करी पकाउथिला। गत किछि दिन धरे बार्धक्य जनित रोग से पीड़ित परे गत शुक्रवार अपराह्न रे टळी पड़िथिले जीवन युद्ध रे। एपटे लिभी जाइथिला जीवन शिखा तांको वियोगरे अत्यंत मर्माहत होइपड़छंती तांको परिवार लोके। इमरामपुर सुशांत मल्लिक रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। केन्दुझर जिला जोड़ा अंचल निवासी कांडे माझी हत्या घटना परे गत शुक्रवार संध्यारु शनिवार सकाळ पर्यंत 12 घंटा भितरे आउ दुईटी हत्याकांड जोड़ा अंचल लोकंक मध्यरे एक प्रकार भयर वातावरण सृष्टि करछि। घटनारु जणापड़िछि जे गत शुक्रवार राति रे बांसपाणी अंचल भोलापात्र नामक जणे सुरक्षाकर्मी को अत्यंत निर्मम भाव कौन धारुआ अस्त्र रे हत्या होता बेले बांसपाणी ठारे बंद होता एक मद भाटीर भितर मृत शव उद्धार कर मृतक जनक पाखे एक ग्यारेज रे सुरक्षाकर्मी भाव कार्यरत थिबा बेले मृतक जनक निजर पुओ सहित रही आसुथिले। जोड़ा थाना आरक्षी सन्देह पुओ को नहीं पचराउचरा करुथिबा जणापड़िछि। सेपरि अन्य एक घटना रे जोड़ा पौरपाड़िकार 4 नंबर वार्ड स्टेट बैंक पछपटे अवस्थित स्वास्थ्य एंटरप्राइजेस नामक थंडा पानीय गोदाम रे कैंपर ड्राइवर भाव कार्य करुथिबा संजय महातो नामक जणे व्यक्ति को निर्मम भाव हत्या करा जाइथिबा बेले तांको मृतदेह गत शनिवार सकाळे देखा मिलता। मृतक संजय देह से विभिन्न स्थान में क्षत चिन्ह देखा मिलता। यह एक सुचिंतित हत्याकांड संदेह कर मृतक संजय घर झारखंड राज्यर रागिड़ी अंचल बोली जमापड़ से गत 5 मास हे जोड़े रही स्वस्ति एंटरप्राइजेस नामक एक घर संस्था ड्राइवर भाव कार्य कर खबर पाई जोड़ा थाना भारप्राप्त अधिकारी पद्मालय साहू बड़बिल उपखंड आरक्षी अधिकारी हिमांशु भूषण बेहरा और केन्दुझर एक विशेष दल घटनास्थल में पहुंच अधिक तदंत जारी रखिंट। बड़बिल एमडी नजीर रिपोर्ट डीटीवी ओडिया।
ଖଣିଜ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ୍ ସହର ଚଳିତ ମାସ 19 ତାରିଖରେ ଦୈନିକ ଆଶାରେ ଆମେ ଏକ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ। ଏ ଖବର ପ୍ରକାଶ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଟିକାକରଣ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବଡ଼ବିଲ୍ରେ 200 କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗହଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଟିକା ବିକାଶ ମଲ୍ଠାରେ 100 ଓ ବଡ଼ବିଲ୍ ରୁଙ୍ଗଟା ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ 100 ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି କେବଳ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଅନୁମତି ନଥିଲା। ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ବିଲ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇ ସମସ୍ତେ କିପରି ସହଜରେ ଟିକା ନେଇପାରିବେ ସେହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଟିକା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡି ଦଳର ଉପସଭାପତି କୁଶ ପଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଆଣିବା କଥା ଏବଂ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା, ମାସ୍କ ଜରୁରୀ ଅଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି ତାକୁ ମାନିକରି ଚଳିବା କଥା। ବଡ଼ବିଲ୍ରୁ ଏମ୍ଡି ନାଜିରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ 26 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଚିଲିକା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିବାରେ ଚିଲିକା ବାଲୁଙ୍ଗା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ବାଲୁଙ୍ଗା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ତରଫରୁ ସୋରଣ, ମାନସିଂହପୁର, ହାଟବରଡ଼ି, କାଳୁପଟା, ଚନ୍ଦ୍ରପଟୁ ଏମିତିକି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ୟାସ୍ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିଲିକା କୂଳରେ ସଚେତନତା କରାଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ ସେଠୀ। ୟାସ୍ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଏବେ ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଡଙ୍ଗା, ଜାଲ ଓ ଇଞ୍ଜିନ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ବାଲୁଙ୍ଗା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ସେଠୀ। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଯୁବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବାଲୁଗାଁଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗାଁକୁ ଆପଣଙ୍କର ସଚେତନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗାଁରେ ଆମେ ମାନେ ମାଇକ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟେଲିଫୋନିକ ମେସେଜ ଏବଂ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ କରି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସବୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଚିଲିକାରୁ ଫେରି ଆସିବେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଜାଲ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 21 ତାରିଖ ଏବଂ 22 ତାରିଖ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚିଲିକାରୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରଣ ପେଣ୍ଟରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଜାଲ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବୋହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ। ଏଠି ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଜାଲ ଡଙ୍ଗା ସବୁ କୂଳକୁ ନେଇ ଆସିଲେଣି। ଆଉ କିଛି ଡଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ନେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ସବୁ ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନେଇ ଆସି ସବୁ ନେଇ ଆସିବେ, ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ବୋଧେ ମୁଁ ଆଣୁଛି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ ସୁଧୀର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଗୋବ୍ଲକ ବୈଠକ ଗୃହରେ ଗତକାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବୈଠକରେ ଗୋବ ଓ ନିମାପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ, ଜଳ ସମ୍ପଦ, ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, କୃଷି ଓ ଜଳ ପରିମଳ ବିଭାଗ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ବାତ୍ୟା ୟସ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋବ୍ଲକ, ନିମାପଡ଼ା ଓ ନିମାପଡ଼ା ଏନ୍ଏସିଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ, ଗୋବ୍ଲକ ଓ ନିମାପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସହ ଆଉ କେତେକ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ସହ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, କିରୋସିନ ତେଲ, ପଲିଥିନ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା, ପିଇବା ପାଣି, ରାସ୍ତା ସଫାସୁତୁରା ଓ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ସବ୍ଡିଭିଜନ, ନିମାପଡ଼ା ସବ୍ଡିଭିଜନ ତରଫରୁ ଆମ ସବୁ ଥାନା ଷ୍ଟାଫ, ସବୁ ଫାଣ୍ଡି ଷ୍ଟାଫ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହୋଇ ଅଛୁ। 23 ଆଉ 24 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ଆମେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଜାରି ରଖିବୁ। 26 ତାରିଖ 26, 27, 28, 29 ଏଇ 4 ଦିନ ଯେଉଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ପରେ ଯେଉଁ ହେବ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଉଡ୍ କଟର, ଜେନେରେଟର, ଆସ୍କାଲେଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଯେମିତି ଗମନାଗମନ ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଗଛପଛ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟାକଟି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏଇ ୟସ୍କୁ
ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, ଏକରେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଭିଡ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ତା ପାଇଁ କି ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡୁଛି। ତା ସହିତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମର ଏନ୍ସୁଇଂ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ। ଆଜି ସେଇ ରିଗାର୍ଡିଂ ଅନରେବୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମର ସବୁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ ସମସ୍ତ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ସରିସାରିଛି। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଆମେ କେମିତି ସାଇକ୍ଲୋନ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବୁ, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଲ ପ୍ରକେଟରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଯୋଗାଇବୁ, ତାପରେ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଲାଇନ୍ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ହବ, ରୋଡ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆସରିଛି। ଆଉ ସବୁ ସରପଞ୍ଚ, ପିଆର୍ଆଇ ମେମ୍ବର, ସବୁ ଫିଲ୍ଡ ଫଙ୍କ୍ସନାରୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମିଟିଂରେ ଡିଜାଷ୍ଟର୍, ପ୍ରି ଡିଜାଷ୍ଟର୍, ଡ୍ୟୁରିଂ ଡିଜାଷ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଡିଜାଷ୍ଟର୍, ପ୍ରି ଡିଜାଷ୍ଟର୍ ବା ଡିଜାଷ୍ଟର୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଉଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେବା ସରିଲା ପରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ପ୍ରପର୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି, ସେଇ ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା ହିଁ ରହିଥିଲା। ଗୋପରୁ ଦେବାଶିଷ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ବୁଲେଟିନ ଶେଷରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ଧରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ବିଲରେ ବିଛାଇବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମଦ ପିଇ ଆସିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧ କରିବାରୁ କାଠ ଫାଳିଆରେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲା ପିଶାଚ ସ୍ୱାମୀ। ଘଟିଲା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଷ୍ଟୋଭ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ପାଖାପାଖି 6 ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ, ଏପଟେ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି। ଆଜି ପାଇଁ ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।